ओके गाइस, तो हम लोग परसेंटेज का एक न्यू पैटर्न करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी सा और ट्रिकी भी है। ओके, तो सबसे पहले से समझते हैं कि क्या पैटर्न है। क्वेश्चन जैसे देखिए, एक स्कूल में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ओके, यदि लड़कों की संख्या में 10% की और लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो बताइए स्कूल की कुल संख्या में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अब देखिए, यहाँ पे कोई दो आर्टिकल भी दे सकता था, सेम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो आपको सिंपली क्या दिया है, देखिए आपको बॉयज बॉयज रेशियो गर्ल कितना दिया है, 3:2 ना, लड़कों का लड़कियों से अनुपात 3:2 है। अब आपको क्या करना है, इस रेशियो को आप चाहे तो इसे कितने इसमें जीरो वगैरह रख लीजिए तो आपका इजी वे में हो जाएगा। आप चाहे तो इसे 30:20 कर लीजिए, 300:200 कर लीजिए, आपको जो आपको इजी लगे वो आप ये ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 30:20 लेते हैं क्योंकि 10% और 20% निकालना है तो इजी वे में निकल जाएगा। ओके, आप 200-300 भी लेंगे, 300-200 तो वो भी चल जाएगा। तो बी रेशियो जी कितना ले रहे हैं हम लोग, 3:2 है तो इसे हम लोग 30:20 कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब इसको कंडीशन बी और जी, तो हमने माना बी 30 है और गर्ल्स कितनी है, 20 है स्कूल में, तो टोटल जो होंगी बॉयज एंड गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 50। अब यहाँ पे देखिए इसमें बॉयज में कितने की 10% की वृद्धि करनी है। ओके, तो इसका 10% कितना होगा, 30 का आप 10% निकाले हैं। ओके, तो कितना होगा, 3। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये जब 3 जुड़ेगा तो कितना होगा, 33। इससे इसमें जब 20% की आप वृद्धि करेंगे आप तो 20% इसका कितना होगा, 4। ओके, 20 का 20% कितना होगा, 4। तो 20 का आप निकालेंगे 20% तो कितना होगा, 4, तो ये हो जाएगा 24। तो जो न्यू आप स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगी 33+24 तो ये हो जाएगी 57। ओके, अब आपको बताना है कि स्कूल में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई है, 7 स्टूडेंट ना, यानी कि 7 की वृद्धि हो गई, 7। तो आपको कितना निकालना है, 7 की वृद्धि हुई है कितने में, 50 में, गुणे 100, तो 50 × 100 तो क्या आपका आ गया 14% की क्या हुई है, वृद्धि। ओके, तो इजी वे में आपका क्या आ गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट, आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपको सिर्फ इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको अगर आपने बेस पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसमें 50 के साथ में वृद्धि हुई थी, स्पेशली आप जैसे निकालेंगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा क्योंकि टोटल आपको कुल स्कूल की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। जेड की जनसंख्या 3:5:6 था। ओके, 2018 से 2019 तक शहर एक्स वाई और जेड की जनसंख्या में क्रमशः 10%, 20% और
15% की वृद्धि हुई। तो आपको बताना है 2018 से 2019 तक उनकी जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, तो इजी वे में जस्ट जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को किया था सेम लगभग वैसा ही है। आपको तीन शहर हैं एक्स वाई जेड, इनका रेशियो दे रखा है 3:5:6। ओके, आपको मैंने इसमें क्रमशः एक एक्स में 10% किए हैं, वाई में 20% की और जेड में क्या है 15% की। तो अभी मैंने कहा था कि आप इनको कुछ भी एक जीरो ऐड कर लीजिए, ऐसे यानी कि 30, 50 और 60 कर लीजिए, इजी वे में आपको आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या है, जैसे यहाँ पे आपका जो रेशियो आया 30, 50, 60, ओके, एक्स वाई जेड 30, 50, 60, ये आपका रेशियो आया तीनों शहरों का। ओके, और टोटल देखिए कुल जनसंख्या कितनी रही होगी, अगर इनको जोड़ें आप तो ये होगा 80 और ये 140, तो टोटल आगे जनसंख्या। अब देखिए इसमें आपको एक्स में 10% की वृद्धि करना है, कितने की करना है 10% की, तो आप क्या करेंगे 30 × 1.1, तो कितना हो जाएगा दशमलव आठ आएगा 33। ओके, इस तरह 50 में 20% की, तो 50 × 1.2, तो दशमलव आठ आएगा 12×5=60, तो ये हो गया 60। ओके, अब इसमें करना है आपको 15% की, तो 60 का 15% निकाल लीजिए, जल्दी आ जाएगा। ओके, तो ये 0 0 कैंसिल, आपको 5 से काट दिए, 5 × 3=15, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, तो 9 आया, 9 आप 60 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69। ओके, तो टोटल आप निकाल लीजिए कितनी हो गई, तो आप इसमें देखिए करेंगे तो 60 ये 70 ये हो जाएगा 102, इन दोनों को जोड़ेंगे 102 और ये 60। ओके, तो कितना आ गया 162। तो आप देखिए कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई है, आपको यही निकालना था, क्योंकि जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए 18 से 19 तक। ओके, तो आप देखेंगे कितने की हुई है इसमें 22 की। ओके, कितने की वृद्धि हुई है 22 की, 22 की वृद्धि हुई है, इससे घटा देंगे आप जब 162 में 640, तो 22 बचेगा कितने में, ये 140 में 100। ओके, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 0 0 कैंसिल। ओके, आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 11 2 7। ओके, तो कितना आ गया, ये आ गया 110/7। ओके, हम आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 110/7 को जैसे आप करेंगे तो क्या होगा 7 × 7, यहाँ कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 7 × 7, तो ये बचेगा कितना 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 40, तो आपका आएगा 7×5=35, फिर आपको 5 बच जाएगा। ओके, तो 50 हो जाएगा, अब आपका जाएगा 7×7=49, तो आपका आ गया 15.7% की क्या होगी वृद्धि होगी, यही आपका आंसर है। ओके, 15.7% की क्या होगी वृद्धि होगी। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगर जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वाली क्वेश्चन में जा रही है, मैं नेक्स्ट सेशन जैसे ही होगा क्लास का तो उसमें आपको इसको वंस अगेन आपको डिटेल से समझा दूंगा कोना। ओके, जहां भी आपको प्रॉब्लम जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ी है, तो दो स्कूलों
ए और बी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया इसमें स्कूल ए और बी के क्रमशः 300 और 200 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। यदि स्कूल ए से 44% और स्कूल बी से 36% विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण हुए हो तो स्कूल ए और बी से कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ओके, देखिए आपको क्वेश्चन पहले समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा कि दो स्कूल हैं ए और बी। ओके, इन दोनों के स्कूल से एक क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुई है ना, तो उसमें स्टूडेंट ने कुछ भाग लिया। उन्होंने कहा ए से 300 और बी से 200, तो ए से 300 स्टूडेंटों ने भाग लिया और बी से 200 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया उस कॉम्पिटिशन में। ओके, कॉम्पिटिशन पेज था तो उसमें इतने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया। वो कह रहा है स्कूल ए से 44% और स्कूल बी से 36% ही विद्यार्थी इस परीक्षा में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। पहले तो आप निकाल लो कि दोनों स्कूल की स्टूडेंट की कुल संख्या क्या है, क्योंकि आपका पूछे स्कूल ए और बी से कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो आपको कुल बताना है परसेंटेज, इसलिए आप दोनों को जोड़िए। तो कितने हो गए, 500 टोटल स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया, पहली चीज थी। इससे पास हुए कितने, 44%, तो आप 300 का 44% निकाल दीजिए और इससे हुए कितने 36%, तो इसका 36% निकाल दीजिए, आपको स्टूडेंटों की संख्या पता चल जाएगी। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ए और बी आपको 300 का क्या निकालना था, 44%, तो 44/100, 20 कैंसिल, तो 4 3 12 12 और 1 क्या होगा 13, तो 132 स्टूडेंट क्या हो गए हैं पास इस स्कूल ए से। ओके, स्कूल बी से 200 का आप 36% निकालिए, तो क्या होगा 36 × 72, इसका अर्थ इससे 72 स्टूडेंट पास हुए। अब आप निकालिए टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए। ओके, तो ये आएगा 4, ये 0 और 2, तो 204 स्टूडेंट क्या हुए हैं पास हुए हैं, टोटल स्टूडेंट थे 500, 204 पास हुए, तो आपको बताना कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो आप निकालेंगे 204/500 गुणित कितना कर देंगे 100, तो ये 20 कैंसिल, 5 का भाग दे दीजिए जी जाएगा आपको। ओके, तो 5 × 20 4 है यहाँ पे, अब भाग नहीं जा रहा तो 10, अब फिर भी नहीं आएगा छोटी संख्या तो पॉइंट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे 58/40। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, 40.8% पास हुए। ओके, आपका आंसर है 40.8%। यहाँ भाग ध्यान से दीजिएगा, 5 × 20 नहीं, आप पहले ही दशमलव लगा दें तो 4.8 लिख दें, वो नहीं होगा इसका, 40.8 होगा। ओके, तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आया होगा सभी को, सभी अच्छे तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग एक और पैटर्न करेंगे।
400 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:24 है, ओके, एक अनुपात 24 है। इस कक्षा में कितनी लड़कियों को निकाला जाए? को निकाला जाए ताकि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत 40% हो जाए। ओके ओके, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सा ओके चलिए इसे हम शुरू से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको टोटल स्टूडेंट कितने थे 400, ओके 400 में आपको सिंपली क्या करना है, जो बॉयज और गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो दे रखा था 400 में से लड़के और लड़कियों, ओके 1:24 दे रखा था आपका ये, ठीक है। तो आपका अगर देखें इस तरह से, तो आप किसी भी एक का निकाल लीजिए, 400 टोटल है, तो अगर इसमें से आपको बॉयज का अगर इसमें से निकालना रेशियो, ओके तो क्या करना पड़ेगा बॉयज के लिए 1/1 इस टोटल को 25, ओके और कितना कर दीजिए 100, आपको अभी निकल आएगा कि कितने परसेंट है, तो 25×24=100, इसका अर्थ है जो बॉयज है कितने परसेंट है, 4% है। अब चूंकि आपको पता है 4% है, टोटल स्टूडेंट 400 है, तो आप क्या करिए 4% निकाल दीजिए कितने का, 400 का, तो 4% है ना 400 का, आप कितना निकालेंगे 4%, तो आपको पता चल जाएगा टोटल बॉयज कितने हैं, तो 400×16, तो टोटल जो बॉयज की संख्या है वो कितनी है क्लास में, 16, यानी 16 लड़के हैं केवल क्लास में। अब देखिए आपको बताना है कि जो ये 16 लड़के हैं ये कुल का कितना हो जाना चाहिए, 40% हो, तो सिंपली आप क्या करिए 16 = क्या हो, कुल का 40%, ओके आप इसको अगर इसको से आपको समझिए तो आप इसे सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा कि कुल का ये 16 जो है यही कुल किसके होना चाहिए, जो टोटल स्टूडेंट हो अब क्लास में लड़कों को निकालने के बाद उसका 40% हो जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे 16 = कुल इनटू 40/100, ओके आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये होगा 0 0 कट जाएगा। आप जब इसे और सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो कुल स्टूडेंटों की संख्या निकालेंगे तो 16/10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा 4/ आ जाएगा, तो 4×16, तो जो कुल स्टूडेंट आ गए अब, ओके कुल स्टूडेंट जो क्लास में होंगे कितने होंगे 40, कुल स्टूडेंट अगर क्लास में 40 हैं तो उसका जो ये 16 होगा उसका 40% होंगे, ओके आप देखिए कुल स्टूडेंट ही 40 हैं तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट थे 400, कितनी लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए 400 - 40 तो बराबर क्या 360 लड़कियों को क्लास से बाहर कर देना चाहिए, ताकि लड़कों का क्या हो जाएगा परसेंटेज कुल 40% बॉयज हो जाएंगे, ओके। तो आपका सिंपली था, बस टेक्निकली आपको इसको समझना था कि क्या चेंजेस करना है, ओके इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और सेम पैटर्न पे है, बस उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको। एक बॉक्स में 200 गेंदें हैं, ओके जिनमें से 99% लाल गेंदें हैं,
ओके, बॉक्स में से कितनी लाल गेंदों को बाहर निकाला जाए कि लाल गेंदों का प्रतिशत कम होकर 98% ओके हो जाए। अब इस क्वेश्चन को भी आपको समझने के लिए थोड़ी सा बस टेक्निकली ये देखना है कि इसमें टोटल जो गेंदों की संख्या है वो कितनी है, 200 ओके। तो आप देखिए 200 टोटल गेंदे हैं, इसमें से 99% क्या है, लाल है ओके। इसका अर्थ है 1% लाल नहीं है, कोई भी कलर हो सकता है, बट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1% क्या है, रेड बॉल नहीं है। अब देखिए या तो आप 99% निकालेंगे कितना होगा, 198 लाल गेंदे हैं ओके। और जब 1% निकालेंगे तो दो गेंदे क्या है, लाल नहीं है ओके, दो गेंद लाल नहीं है। अब ये दो आपको कॉन्स्टेंट रखना है, दो गेंदे तो रहेंगी रहेंगी उस बॉक्स में, बस आपको ये लाल गेंदे निकाल देना ताकि ये क्या हो जाए, 98% रह जाए। क्वेश्चन ये कहना कि 98% रह जाए, तो दो गेंदे तो 2% किसका हो जाएंगे, यानी कि ये 2% हो जाएंगे, जब ये 98% आपको करना है इसको घटा के, इसका अर्थ दो गेंदे ही क्या हो जाएंगे, 2%। और 2% हमेशा किसका होता है, 100 का ही 2% होता है, इसका अर्थ टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो जानी, 100 ओके। इन टोटल गेंदों की संख्या कितनी रह जानी चाहिए, 100। तो आपका क्या हो जाएगा तुरंत ही, जैसे आप मान लीजिए रख लीजिए कि 2% बराबर क्या होगा, अभी 200 है ओके, 2% बराबर कितना है, 200 है, तो इसका 100% आपको निकालना होगा, यानी आंसर के अकॉर्डिंग ओके, 2% पहले तो 1% था, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो 100% क्या होगा, 200/2 × 200 ओके। तो आप सॉरी 200 ये 2 है, 2% बराबर 2 है ना, 2% क्या है, ये 2% हो जाएंगी, दो गेंदे जो है, 2% बराबर 2 है, तो 100% आप निकालेंगे, 2/2 × 100, तो आपका क्या आएगा, 100 टोटल गेंदे, 100 गेंदे होंगी, तो कितनी गेंदे निकाल देना चाहिए, 100 गेंदे ही निकाल देना चाहिए, 200 गेंदे हैं टोटल ओके। तो 200 में से क्या होंगे, 100 गेंदे बचेंगी, तो 100 गेंदे निकाल दी गई, तो कितने लाल गेंदे निकाली गई, 100 लाल गेंदों को बाहर आपको निकालना होगा। तो आपका आंसर यहां से भी समझ सकते थे डायरेक्ट, और इसको अगर इस तरह सॉल्व भी करेंगे तो भी आपको वही आएगा ओके। चलिए हम लोग अब एक न्यू पैटर्न की ओर चलते हैं परसेंटेज में ओके। गाइस तो हम लोग परसेंटेज का एक न्यू पैटर्न कर रहे हैं, जिसके तहत देखते हैं एक निर्वाचन में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए, लेकिन वह 336 मतों से हार गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए ओके। तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैसे करते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है परसेंटेज का, जिससे क्वेश्चन आता ही है, अगर आपने एक को सीख लिया तो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आप ईसीवी में कर लेंगे। आप देखिए पहले टोटल मत है ना, जो टोटल वोट होंगे वो कितने होंगे, 100%, क्योंकि इसमें कोई भी ये नहीं दिया कि वैलिड और इनवैलिड मत इतने थे, ये कॉन्सेप्ट वो भी होता है कि आपको बोले कि वैध मत इतने थे, अवैध मत इतने थे, तो वो यहाँ पे उसने यूज नहीं किया। तो आप सिंपली यानी कि 100% वैलिड वोट थे ये मान लीजिए, जब भी ऐसी कंडीशन है दी हो इसका 100% वोट ओके। तो इसमें से उसने कहा कि एक कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 43% ओके। तो आप जब एक कैंडिडेट को 43% मिले हैं, तो दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले होंगे, बाकी जो जितने बचे हुए हैं वो कैसे मिले होंगे, सेकेंड कैंडिडेट को, तो सेकेंड कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, आप 100 में से 43% माइनस कर दीजिए, इसका अर्थ 57% ये सेकेंड कैंडिडेट को वोट मिले होंगे, क्योंकि दो ही उम्मीदवार हैं उस इलेक्शन में, आपको ये भी कंडीशन दे रखी है ना कि दो उम्मीदवारों ने ही भाग लिया। तो आप अब देखिएगा कि अब देखिए जो मतों का अंतर है, तो क्या यही परसेंटेज का अंतर होगा, जितना वोट इन्हें अंतर है
अगर वोटों परसेंटेज अंतर निकालें, वही तो हारा है, क्योंकि एक को जीतने के लिए जितने वोट मिले होंगे और एक हार गया, तो दोनों में अंतर ही होगा, तो यही तो है कितने मतों से हार गया। ओके, तो आप सिंपली अगर इस परसेंटेज का अंतर निकालें तो वह इन दिए हुए मतों के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है इस तरह के क्वेश्चन में, और इसी से सॉल्व होता है। तो आप यहाँ जब माइनस करेंगे तो देखेंगे कि ये सात कितना है, 14% का अंतर है, तो 14% वोट बराबर कितने हैं, 336। आपको चूंकि टोटल निकालना था तो इसका क्या निकाल दीजिए, 100%। ओके, तो 100% होगा 336/14×100। ओके, या आप ऐसे अगर ये 100% आप अब तक समझ गए होंगे कैसे निकाल देते हैं, जितना निकाल लेते हैं यहाँ 100 का घोड़ा और जो दिया जाता है उसको यहाँ पे ना, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कुल का 14% कितना है, 336। तो कुल कितना होगा, कुल ही यानी 100% होता है, 336/14×100। ओके, इसको आप देखिए आप सॉल्व करिए तो 14×2 28। ओके, यहाँ 5 बचा, 14×4 56, तो आपका आंसर आ गया 2400। ओके, तो टोटल जो वोट थे वो कितने थे, 2400। तो अब इजी वे में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस तरह की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ओके, मैं इसे परसेंटेज चेंज कर रहा हूं अभी, इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए 62% मत प्राप्त किए और वह 144 मतों से जीत गया, और वह 144 मतों से जीत गया, तो आप तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, सेम अभी जैसे क्वेश्चन है कि केवल दो उम्मीदवारों ने ही भाग लिया। ओके, तो आपको सिंपल ये देखना है कि फिर से देखिए टोटल वोट इसमें भी 100% होंगे, 100% में से एक को 62% मिल चुके हैं। ओके, फर्स्ट कैंडिडेट मान लीजिए उसे 62% वोट मिल चुके हैं, तो सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले होंगे, जब एक को 62 मिल चुके हैं तो दूसरे को 38% मिले होंगे, तो टोटल 100% ही वोट है। अब देखिए आपको इस मतों का अंतर दिया हुआ है कि कितने मतों से जीता, तो आप परसेंटेज अंतर भी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो आप जब परसेंटेज अंतर इसका निकालेंगे कितना आएगा, 24%। ओके, तो 24% बराबर क्या होगा, 144 मत। तो आप इसका 100% निकाल लीजिए क्योंकि आपको कुल मत निकालने, तो 144/24×100। ओके, तो इसको देखेंगे आप, तो ये जो कि 12 होता है तो 24 से भी इजी वे में कट जाएगा। अगर मान लीजिए 24 से नहीं तो 12 से आप इसे कर लीजिए, 12×2=24, 12×1=12, 12×2=24। ओके, यहां से 2 आएगा और ये 2×6=12, तो क्या होगा, 600। तो टोटल वोट जो थे कितने थे, 600। ओके, यही आपका क्या है आंसर, कि टोटल वोट कितने थे, 600। चलिए थोड़ी सा इसमें इसी प्रकार के पैटर्न में एक क्वेश्चन थोड़ी सा चेंजेस के साथ कर रहे हैं हम लोग। वैलिड और उसका इनवैलिड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि इतने परसेंट वोट वैलिड थे इनवैलिड थे, एक कॉन्सेप्ट उसका यूज होता है, ये सिंपल वाला तो आप बनने लगा आपसे। ओके, एक निर्वाचन में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 55% वैध मत प्राप्त हुए, वैध यानी वैलिड। ओके, वैलिड वैसे मिले इतने परसेंट, अवैध जो मत है
अवैध मत कुल मतों का 20% है। ओके, यदि मतों की कुल संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए थोड़ी सा लॉजिकली क्वेश्चन आपका परसेंटेज लिस्ट तो है ही, प्लस थोड़ी सा लॉजिकली इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि अवैध मतों का 20% है। आपको टोटल मत भी इस बार दिए हैं, आपको ये बताना सेकंड कैंडिडेट जो है उसे वैलिड मतों का कितने परसेंट प्राप्त हुआ है। ओके, यानी वैलिड मत कितने मिले हैं, परसेंटेज ये बताना, आपको बताना कि उसे कितने वोट ही मिले हैं। सबसे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको टोटल वोट थे, ओके, टोटल वोट कह रहे होंगे 100%। ओके, इस 100% में से 20% इनवैलिड है, यानी कि उन्होंने वोट का प्रयोग तो किया लेकिन वो सही ढंग से नहीं हुए हैं, स्पष्ट नहीं है किसे मिले हैं, तो उन्हें इनवैलिड वोट समझा जाता है। ओके, तो 20% इनवैलिड जब आपको टोटल वोटों का दे रखा है, टोटल वोट कितने हैं 7500, तो क्या इसमें से 20% इनवैलिड हम निकाल दें, तो सबसे पहले आप इसका 20% निकाल दीजिए। ओके, तो आप इसे जब निकालेंगे तो कितना होगा, ये 1500 वोट इनवैलिड है। ओके, तो आप अब लिखेंगे कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, टोटल वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, आप 75 में से 1500 घटा देंगे क्योंकि ये इनवैलिड है, तो आप देखेंगे कि आपके सिर्फ 6000 ही वोट क्या है, वैलिड है। ओके, ये जो 6000 है, अब आपके ये 100% हो जाएंगे, यानी कि मान ली वैलिड, क्योंकि अब जो दूसरे को मिले हैं वो तो इसी से मिलेंगे, तो सिंपली आप देखेंगे ये वाला जो वैलिड है, ओके, इसमें से आप एक कैंडिडेट को जो 6000 है, अब 6000 में से 55% एक कैंडिडेट को मिल चुके हैं, फर्स्ट कैंडिडेट को, तो सेकंड को पूछ रहा कि कितने वैलिड मत कितने मिले हैं, तो आप क्या करिए 6000 का 55% निकाल दिए, फर्स्ट को अगर पता चल जाए तो सेकंड के ऑटोमेटिक आप माइनस करके निकाल दीजिए, या सेकंड के आप डायरेक्ट यहां परसेंटेज इतने हैं तो दूसरे वाले के परसेंटेज निकाल दीजिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसी से अगर निकालें कि 6000 का आप 55% निकाल दीजिए, 6000 का 55% इजी है, आप चाहें तो 50% 3000 होगा, 5% और देख लेते हैं ना, तो दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 6 × 5 = 30 और 3 × 6 = 30 तो 3300, तो एक कैंडिडेट को जो फर्स्ट वाला उसे कितने मिले 3300, ये वैलिड मत है, तो दूसरे कितने मिले होंगे, तो आप निकालेंगे सेकंड को, आप 6000 में से 3300 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, सिंपल वे में 2700। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं 2700, तो पहले को 3300 मिले हैं तो दूसरे कितने मिले होंगे 2700। आप अगर ऐसा 55% ही निकाल रहे हैं तो आप इसको दूसरे कितने मिले होंगे 45%, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते थे आप। ओके, तो आप क्या करते हैं 6000 का सीधे आप 45% निकाल दीजिए। ओके, तो 45% जब आप निकालेंगे तो दो जीरो कैंसिल, इसका जब गुणा करेंगे आप तो 0 × 6 = 5 = 30, 0 × 3 = 6 = 24 = 27, तो आपका सीधे 2700 यहां से भी आंसर आ जाएगा। ओके, बस आपको यह ध्यान रखना कि जो ये 6000 होगा यही आपका क्या होगा 100% होगा। ओके, क्योंकि वैलिड मत ही गिने जाते हैं, इनवैलिड अलग कर दिए जाते हैं, तो जीत हार में कौन से वर्ड मत होते हैं यूज, वैलिड वही 100% होते हैं। ओके, तो आप दोनों 55% निकाल लीजिए, लेकिन आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 45% निकाल लेते हैं तो उससे डायरेक्ट आ जाता है।
ओके आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे और करते हैं, बाकी फिर प्रैक्टिस आप खुद करिएगा और मैं बताइएगा कि कहीं प्रॉब्लम हो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ओके चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक निर्वाचन में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ओके जिसमें 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ओके जीतने वाले उम्मीदवार को ४८% मत प्राप्त हुए और वह 1100 मतों से जीता। आपको बताना है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके कुल मतों की क्या करना है आपको, संख्या ज्ञात करना। ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे लास्ट वाला हम लोगों ने इन्वेलेट किया, तो इन्वेलेट की जगह इसमें क्या दे रखा है कि 8% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। तो आप सिंपली क्या करिए, देखिए टोटल जो वोट रहे होंगे टोटल वोट वो 100% रहे होंगे, लेकिन 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, तो 100% ये तो इससे 8% माइनस हो जाएगा। इसका अर्थ है आपके जो टोटल वोट है इस बार कितने हैं 92%। ओके क्योंकि 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो आप टोटल परसेंटेज कितने परसेंट वोट डाले हैं 92%। अब इन 92% में से एक कैंडिडेट को आपको 48% वोट मिल चुके हैं। ओके इनमें से फर्स्ट कैंडिडेट जो था 48% वोट मिले हैं, तो सेकेंड कैंडिडेट को कितने और मिले होंगे, आप इनमें से 92 से 48% निकालेंगे क्या होगा 44%। अब आप यहाँ 100 से मत निकालना, नहीं 52% आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा फिर। ओके तो कितने मिले हैं 44%। ओके तो इनमें से जो होगा हालांकि आपको 44% से भी आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 52% अगर इसको मान लीजिए आपने 100 मान लिया वन सेकेंड। ओके तो इसमें से अगर आपने 48% निकाला तो सेकेंड वाला कितना बचेगा 52%। ओके तो इस वाले से भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना, आप उससे भी कर सकते हैं। आप बस ये आपको क्या करना है कि लेट करना था, तो आप इससे भी करेंगे तो आ जाएगा, हम लोग इसी से कर रहे हैं तो इसका अंतर कितना आया 4%। यही 4% क्या होगा 1100 मतों से जीता है, तो ये क्या होगा 11%। तो 4% बराबर क्या है 1100। ओके तो आप इसे क्या करिए, ओके तो 4% आपका क्या है 1100, तो आप इसका 100% निकालेंगे तो 100% क्या होगा 1100/4 × 100। हम आप इसे क्या करिए इजी वे में सॉल्व कर लीजिए सिंपलीफाइड, तो 4 से करेंगे तो 25। ओके 25 का गुणा कर दीजिए 5, 2, 25 और 2, 27, क्या आ गया आपका 27,500 टोटल वैलिड मत होंगे। ओके तो हम लोगों ने इस तरह का निर्वाचन वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके जहां भी आपके जितने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम को आप देखिए, उसमें जो क्वेश्चन आए हो उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और इजी वे में सॉल्व करिए। ओके अब चलिए हम लोग परसेंटेज का न्यू पैटर्न करते हैं। ओके चलिए परसेंटेज का एक न्यू पैटर्न, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। रवि अपनी मासिक आय का 25% किराए पर, 30% भोजन पर और 20% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि उसे 15,000 प्रति महीने की बचत होती है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसमें आपके सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं,
एक तो आपको सिंपली दिया हो, जैसे इसके उससे में दे रखा कितने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट इस पे खर्च करता है, ओके। तो आपको देखिए सेविंग जो होगी तो इतने इतने परसेंट आप जोड़ दीजिए, इनको खर्च करने के बाद ही तो उसकी सेविंग बची होगी, तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके सेविंग के। एक कॉन्सेप्ट तो ये, एक इसमें एक शब्द यूज होता है सेज, यानी कि रिमेनिंग का अगर हो तो अभी उस तरह का हम लोगों ने किया, उसको हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें सिंपली आपका ये है कि कितने परसेंट खर्च किया, तो आप क्या करिए उसकी आय तो 100% होगी, ओके, जो टोटल इनकम होगी मंथली वो कितनी होगी 100%, ओके। तो इनकम क्या होगी 100%, इस 100% में उसने कितना खर्च कर दिया आप ये निकालिए, ओके। तो सिंपली क्या होगा, पहले उसने 25% किस पे खर्च किए, किराए पे, ओके, 30% भोजन पे कर देता हो, जैसे आप लोगों में सभी स्टूडेंट होंगे तो उनमें से अधिकतर भोजन पे खर्च करते होंगे, क्योंकि टिफिन या अलग से जो भी आप मेस में खाना खाते होंगे, और 20% अन्य कार्यों पर, तो इसमें से 20% अन्य कार्यों पर, ओके, अन्य कार्य जैसे मूवी वगैरह देखना ये सभी पे कर देते होंगे, ओके। तो इनमें से आप टोटल निकालिए कितना खर्च कर दिया उसने, ओके। तो देखेंगे आप कि कितना खर्च किया, 75% तो उसने खर्च कर दिया, 75% खर्च जैसे उसने किए तो टोटल इनकम में से कितने परसेंट बचे होंगे उसके पास, 25%, क्योंकि 100% तो ये इनकम थी उसकी टोटल, ओके, उसकी जो आय थी उस पे 100% था, तो उसमें से 75% तो खर्च कर दिया उसने, तो 25% बचा, यही उसकी क्या कहलाएगी, सेविंग, यानी कि बचत, यही उसकी क्या है, बचत। तो उसने कितने 25% बचत की है, जो आपको रुपए में दे रखा कि कितने उसने बचाए, तो कितने बचाए हैं 15,000, तो यही 25% बराबर क्या होगा 15,000, तो आप इसका 100% निकाल दीजिए कि 100% क्या होगा 15,000 बटे 25 गुणे 100, ओके, 25% जब 15,000 है तो 100% जितना होगा 25 × 100 और 15 × 60, तो टोटल उसकी आय कितनी है 60,000, ये आपका क्या है आंसर। तो इजी वे में आप जितने परसेंट उसने खर्च किए उन्हें सबको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, और उसे टोटल में से आपको पता चल जाएगा कितनी बचत हुई है परसेंटेज में, वही आपका क्या होगा बचत जो दी होगी क्वेश्चन में उसके इक्वल होगा, तो आप इजी वे में उसे 100% निकाल सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं सी पे, मैं सिर्फ ये परसेंटेज चेंज कर रहा हूं और किस किस पे खर्च किए, ओके। और यहां पे ओके रवि की जगह कोई और नाम लिख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मोहन लिख लीजिए, ओके। तो मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, ओके, 30% स्वास्थ्य पर, 10% शिक्षा पर, और 10% शिक्षा पर खर्च करता है, ओके। यदि उसे 840 रुपए प्रति महीने, 840 रुपए प्रति महीने की बचत होती है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, मासिक वेतन ज्ञात कीजिए जो भी। तो सिंपली लास्ट जैसा क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे, तो आप सिंपली क्या करिए, जो इसकी मासिक इनकम होगी कितनी होगी 100%, आप जोड़ लीजिए कितना खर्च किया इसने, कितना किया 40% किराए पे खर्च कर देता है, 30% स्वास्थ्य पर कर देता है, और 10% एजुकेशन शिक्षा पर कर देता है। आप देखिए टोटल कितना खर्च कर दिया इसने, 80% तो इसने खर्च कर दिया, 80% जब इसने खर्च कर दिए तो इसने बचाए कितने, तो इसने सेविंग किए 20% ओनली, और यह 20% बराबर आपको दे रखा कि 840 रुपए प्रति महीने की क्या करता है वो बचत करता, तो ये क्या होगा 840 रुपए बराबर, ओके।
क्योंकि 80% खर्च किया तो 100% थी, तो 20% इतने सेविंग किए। अब आप इसका 100% निकाल दीजिए तो क्या होगा, 840 बटे 20 गुणे 100। ओके, तो इसे सीधे 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 4200। तो आपका आंसर आ गया 4200 उसकी क्या है, मासिक आय। अब थोड़ी सा हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि शेष वाला शब्द जो होता है रिमेनिंग, अगर आपको बोले कि रिमेनिंग का रिमेनिंग इतने खर्च किया तो उसको कैसे यूज करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। ओके, सुधीर अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है। ओके, और शेष का, अब देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है, और शेष का 30% स्वास्थ्य पर और पुनः शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसे 840 रुपए प्रति महीने की बचत होती है, ओके, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लास्ट वाला और इस वाले में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन पे। आपको ये देखना है कि जैसे उसकी जो इनकम होगी, ओके, इनकम तो 100% ही होगी टोटल। अब देखिए टोटल में से आपको पहली कंडीशन उसने बोला कि उसने 40% खर्च करता है कहीं पे किराए पर, लेकिन जैसे 40% मान लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा कि मान लीजिए अगर उसने 100 रुपए, अगर मान लीजिए उसने कमाए तो 100 रुपए से 40 रुपए तो उसके क्या हो गए, किराए पर, क्योंकि 40% उसने खर्च कर दिया। लेकिन जो आप बचा, कितना बचा उसके पास, 60 रुपए, इसका 30% यानी शेष कर, शेष शब्द का ये है कि रिमेनिंग जो बचा, अब उसका 30% निकालेंगे हम लोग, 100 का नहीं निकालेंगे। आप कहें कि 100 का 30 रुपए फिर खर्च कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचा उसके पास 60 रुपए बचा, 60 का अब वो 30% खर्च करेगा। तो इसका अर्थ है अब वह जो शेष का यानी कि स्वास्थ्य पे जो खर्च करेगा वो 18 रुपए करेगा। ओके, तो उसमें कितना करेगा, 18 रुपए। अब पुनः शेष का, तो जो पुनः इससे आप 18 जब माइनस करेंगे 60 में से, ओके, तो कितना बचेगा, 42। तो अब इस पुनः शेष का फिर से 20%। ओके, तो अब इसका पुनः 20% खर्च करेगा किस पे, एजुकेशन पे। तो अब जो रिमेनिंग बचेगा वही क्या होगी, उसकी सेविंग होगी। तो आपको इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, 100% है मान लीजिए, है ना, इसकी इनकम 100% होगी, तो आप मान लीजिए कि उसकी जो आय थी वो एक्स थी। ओके, तो लेट या माना, आपको नहीं ये सब लिखना, माना उसकी आय क्या थी,
एक्स थे, ओके। तो ये सिर्फ आप इंडिकेट करने के लिए, आपको चूंकि डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो एक्स एक्स का 40% उसने खर्च किया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग परसेंटेज शुरू में प्रैक्टिस किए कि जब 40% उसने खर्च कर दिए तो रिमेनिंग कितना बचा, 0.6। यही लिखते थे हम लोग, 40% की कमी हुई आएगी 100 में से, तो उसे क्या लिखेंगे, 0.6। आप अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। अब बाकी का 30% उसने, तो ये वाला हम लोग तो रिमेनिंग ही तो लिखा है, एक्स 0.6 है ना, इंटू 6 पॉइंट। अब इसी का 30% स्वास्थ्य पे, तो 30% को कैसे लिखते हैं, जब कम करना होगा तो 0.7, तो फिर ये रिमेनिंग बचा। और इसका पुनः क्या करता है, रिमेनिंग शिक्षा पर, तो 0.8 इतना खर्च किया। तो ये हम जो हमने लिखा यही उसकी सेविंग है, क्योंकि बाकी जो खर्च करना था हमने कर दिया, ये रिमेनिंग वाला है, और यही किसके बराबर है, 840। आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ओके। तो दोनों में आई होप आप दोनों में बेटर अच्छी तरह से ये समझे होंगे डिफरेंस क्या है। जब भी रिमेनिंग, तो आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान से पढ़िए, पहली एडवाइस तो मेरी ये है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, शेष शब्द को ध्यान नहीं देते, बोले ये वाला तो मेरे से आता है, इसको इजी वे में सॉल्व कर दिया उन्होंने, ओके। तो आप इस तरह से देखें, तो आप यहां से एक्स निकाल देंगे तो क्या होगा, 840 बटे 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8। अब आप पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे आप, 840 बटे 6×7×8 इंटू, या ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 3 पॉइंट आपको घटाने, ओके। अब आप इसे इजी वे में सॉल्व कर लीजिए, देखिए आप 6×7 42 करेंगे, 42×2 84 होता है, सिंपल है ना, इसे 42 कर लीजिए, तो 42×2 क्या हो जाएगा, 84। ये सिंपल आपको जैसे काटना हो इजी वे में, तो 42×2 84 हो गया, 6 और 7 गया। अब देखिए ये 20 हो गया, तो 8 से काट दीजिए, 8×2=16, 4 बचा तो 40 हो गया, 8×5=40, तो आपका क्या आ गया, 2500, ओके। तो उसकी जो टोटल आय थी कितनी थी, 2500 उसकी टोटल आय थी, ओके। चलिए इसी पे हम लोग एक और करते हैं, थोड़ी सी टफ करते हैं उसे। मान लीजिए ऐसा परसेंट दिया हो जिसे आप इस तरह से लिखने में थोड़ी सी कठिनाई जा रही हो आपको, यानी कि हमने अभी ऐसे परसेंट दिए जिसे पॉइंट सीधे आपने लिख दिया, अब थोड़ी सा परसेंटेज हम लोग थोड़ी सा टफ लेते हैं। मैं परसेंटेज से चेंज कर रहा हूं, ओके, कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहेगा। और नाम चेंज कर देते हैं, ओके, कोई भी मान लीजिए मीरा कर देते हैं। मीरा अपनी आय का 16.66%, ओके, किराए पर खर्च करती है, और शेष का, ओके, 25% खाने पर, और पुनः शेष का 60% शिक्षा पर, 60% शिक्षा पर खर्च करती है। यदि उसे 4500 रुपए प्रति महीने की बचत होती है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, या मासिक आय ज्ञात कीजिए, ओके, मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ये भी सिंपल है। अब आप क्या करिए, देखिए फिर से वही हुआ कि x इंटू, लेकिन आप 16.66% को जैसी करेंगे तो हालांकि टफ नहीं है लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। तो आप क्या करिए, इस तरह का जैसे ही आपको परसेंट दिखे तो आप इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ओके। हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म भी किया था, तो आप क्या करिए, तुरंत करिए कि किराए पर इसने खर्च किए, ओके, कितने, 16.66%, इसको कितना लिख सकते हैं, 1/6, सिंपल, ओके। अब कितना 25% है, तो 25% को पुनः कितना लिख सकते हैं, 1/4, और फिर इसने 60% किया है, तो 60% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6/10, या इसी को और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 3/5, ओके। इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए x का
एक्स टोटल आय उसकी, तो टोटल इनकम में से 1/6 उसने खर्च कर दिया किस पे, आपको किराए पर 1/6 खर्च किया, तो बचा कितना। इस तरह के कॉन्सेप्ट को एक में से 1/6 घटा दीजिए, तो टोटल इनकम एक है उसका, एक 100 को एक मान सकते हैं, तो 1/6 जब इससे घटाएगी तो 6 × 6 − 1 तो कितना बचेगा 5/6। इसका अर्थ जो ऊपर हो उसी को माइनस कर दिया करें आपका आ जाएगा, तो x का कितना बचा 5/6 क्योंकि उसने 1/6 खर्च कर दिया। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। दूसरी अब शेष का, तो शेष जो बचा ये हम लोगों ने शेष ही देखा कि ये बचा हुआ है, इसका 1/4 खर्च करेगी वो है किस में, खाने पर। तो अब कितना बचा ये लिखना है, तो 1 − 1/4 तो क्या आएगा 3/4, ऊपर वाले से नीचे वाले से जस्ट एक कम हो जाता है अगर ऊपर एक लिखा है तो कितना हो जाएगा 3/4, ये रिमेनिंग लिखा। अब इसके बाद देखिए वो 3/5 शिक्षा पर खर्च करती है, ओके 3/5 तो एक में से माइनस कर दिए तो क्या होगा 2/5, ये रिमेनिंग बचा, यानी उसी में से आपको घटा देना तो कितना बचा 2/5, यही बचा आय उसकी। अब देखिए ये इक्वल होगी किसके, कितना बचाती है वो 4500 रुपये। अब इसे आप सॉल्व कर दिए आपके जीबी में आंसर आ गया। तो आई होप ये फ्रैक्शन वाला, जैसे ही आपको इतने परसेंटेज दिखे तो आप तुरंत उसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले लीजिए, उससे वो इजी वे में आ जाएगा। देखिए इनमें से जो इसी साइड कट रहा है उसे यहीं काट दीजिए, 5 से 5 से ऐसे कैंसिल हो गया, ओके ये 3 × 3 = 3, 2 × 6 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका टोटल कितना बचा 4, ओके तो एक्स बाय 4 इक्वल टू कितना है 4500, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4500 × 4 तो कितना होता है 180 है ना, 4500 × 4 करेंगे 20 और लिख दिए तो उसकी टोटल आय कितनी थी 18000, ओके। आई होप आपको ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके परसेंटेज के जो 1-2% टाइप्स और बचे हैं, बाकी हम लोगों ने लगभग पूरा परसेंटेज कवर कर लिया, तो उसको हम लोग करते हैं बाकी जो रिमेनिंग है, ओके।